प्रोटेस्ट का तीसरा दिन रहा, क्या रिस्पांस मिला? जैसा कि आप लोग को पता है, आज पटना आरआरबी के डिप्टी सेक्रेटरी रूपेश चंद्र जी आए हुए थे बाहर, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है सब चीज़ ठीक ठाक है, लेकिन हमारी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो इस वजह से आरपीएफ के द्वारा थोड़ा सा हम लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है। तो आप लोग जितने भी छात्र जिनका कि आर्ट को एग्ज़ाम है या एनटीपीसी या ग्रुप बीपीएससी जिनका जिनका एग्ज़ाम होते जाएगा, वो लोग धीरे धीरे अपनी संख्याओं को बढ़ाएं, और जो भी छात्र दूर से हैं वो किसी कारणवश ये तीन दिन नहीं आ पाए, वो लोग सोमवार को ज़रूर आ जाएं, चाहे जितने भी दूर में हो। तब तक मैं अभी दो दिन का समय भी आप लोग को टिकट आना जाना सब चीज़ हो जाएगा, और ये जो अभी ये अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हुआ है ये हमारा जारी ही रहेगा, सोमवार से फिर होगा। रविवार और शनिवार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा आरआरबी का जितने भी ऑफिसर रहते हैं वो बंद रहता है। तो अभी आप लोग हमारी संख्या देख ही रहोगे, इतने ही बचे हैं, आप लोग ज़रूर आइएगा, उम्मीद है। तो रिस्पांस क्या मिला वहाँ से, न्यूज़ क्या मिला अंदर से? यूनियन वाले जैसे कि ट्रेड यूनियन के हैं, उन्होंने भी बताया कि सुशील मोदी जी आने वाले 8 तारीख को आप लोग को हम उनसे ज़रूर मिलवाएंगे, अभी वो विदेश के दौरे पे हैं। और हमें न्यूज़ का भी जो है आप लोगों को पता होगा, प्रभात खबर के 7 नंबर पेज पे हम लोगों का प्रिंट मीडिया में आ चुका है। धीरे धीरे नेशनल लेवल के भी न्यूज़ चैनल में हम लोगों का बात ज़रूर आएगा अगर हम लोग लंबे समय के लिए बैठेंगे। और आप लोगों को पता होगा SSC जो 2018 नागपुर में, वो भी एक लंबे समय के लिए बैठे, फिर किसान आंदोलन, ऐसे बहुत सारे आंदोलन का उदाहरण है। एक दिन में कोई भी चीज़ तीर नहीं मार लेते हैं, लंबे समय के लिए बैठना पड़ेगा। और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम ग्रुप डी में एक दिन पढ़ के कुछ बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस चीज़ को अभी तक सरकार लेके लगता है 2024-25 लेके जाएगी, इसमें आपका सारा चीज़ किया हुआ है, सिर्फ एक अप्रूवल की ज़रूरत है। और कलकत्ता का भी प्रोटेस्ट आप लोग देखेंगे काफ़ी साल रहा और सफल रहा, और वहाँ के जो GM है वो लेटर भी रेल मंत्रालय को लिख चुके हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, और हमें आरआरबी के जो JEE कैंडिडेट है वो लोग भी राजस्थान से ट्रेन पकड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, उनका भी कांटेक्ट आ रहा है, फ़ोन वगैरह आ रहा है, और बंगाल से भी आ रहा है। तो आप लोग भी आए, हमारी उम्मीद होगी आप लोगों से। मतलब कि पटना में महेंद्र घाट में प्रोटेस्ट करने से संख्या बढ़े तो काम कुछ बन सकता है, मतलब हम लोग के पॉजिटिव में लग रहा है। प्रेशर जैसे कि पिछले बार था, प्रेशर की वजह से वो लोग एक दिन में मिलवा दिए। तो अगर ये चीज़ अनिश्चितकालीन बनती है, हमारे साथ पब्लिक का सेंटिमेंट जुड़ता है, तो हमें उम्मीद है कि ज़रूर हमारे लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। अभी लग भी रहा है, जैसे ट्रेड यूनियन ने हमें बोला, फिर अंदर से चेयरमैन ये डिप्टी सेक्रेटरी रूपेश चंद्र सर बोले, तो उम्मीद है। आप कुछ बोलिए, मतलब क्या रिस्पांस रहा कि इतना दिन से, मतलब और लोग संख्या में लोग आएंगे तो कुछ पॉजिटिव होगा, और जितनी संख्या छात्रों के स्कूल में आएंगे तो उसमें हम लोग और मजबूत होगा। मतलब आज 3 दिन का प्रोटेस्ट में यही निकला कि हम लोग का संख्या बढ़ाया जाए तभी कुछ हो, है ना।